हेलो गाइज, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना ऐसे फेस स्मूथ है और कलर रिटचिंग कैसे किया जाता है, सब आपको इस लाइटरूम एप्लीकेशन में बताएंगे। तो फ्रेंड, चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, इस फोटो को हमने एडिटिंग करके ऐसे बनाया है, तो फ्रेंड आपको भी ऐसे बनाना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट अगेन करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करिए। फ्रेंड, लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन होने के बाद यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऑल फोटो पर क्लिक करके यहाँ से अपने फोटो को ले लेना है। फ्रेंड, फोटो को लेने के बाद यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे आना है। लाइट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा लेना है, इतना तक। इतना करने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस कर लेना है, इतना। इतना करने के बाद हाईलाइट को भी थोड़ा सा माइनस 19-20 के आसपास इतना रख लेना है। इतना करने के बाद शैडो को थोड़ा बढ़ा लेना है 55 के आसपास। फ्रेंड, इतना करने के बाद वाइट को माइनस कर लेंगे 30 तक, और इसको भी थोड़ा माइनस कर लेंगे ब्लैक को। फ्रेंड, इतना करने के बाद यहाँ से कलर वाले पे आएंगे। कलर वाले पे आने के बाद मिक्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। मिक्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से रेड वाले का हुई माइनस में रख देंगे इतना, और सैचुरेशन इतना बढ़ा देंगे। फ्रेंड, इतना करने के बाद लुमिनस को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से ऑरेंज वाले पे आएंगे। ऑरेंज वाले पे आने के बाद इसका हुई माइनस कर लेंगे, -18। इतना करने के बाद इसका माइनस सैचुरेशन माइनस कर लेंगे इतना। इतना करने के बाद फ्रेंड, यहाँ से लुमिनियंस को थोड़ा फुल कर देंगे इतना। इतना करने के बाद फ्रेंड, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आना है। इस वाले ऑप्शन, येलो वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा फुल कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आना है। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेना है इतना। इतना करने के बाद फ्रेंड, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आना है। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से सैचुरेशन पूरा फुल कर लेना है फ्रेंड, और लुमिनियंस को माइनस में रख लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड, यहाँ से डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद यहाँ से इफेक्ट वाले पे आना है। इफेक्ट वाले पे आने के बाद टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा लेना है 10 तक। इतना करने के बाद इसको क्लियरिटी को -20 कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आना है। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है शार्पनिंग को, डिटेल को थोड़ा फुल कर देना है, मैक्सिंग को, इनवाइट डिरेक्शन को और डिटेल को फुल कर देना है, कंट्रास्ट को थोड़ा और इनवाइट डिरेक्शन को और डिटेल स्मूथनेस को फुल। फ्रेंड, इतना करने के बाद फिर से कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से मिक्स वाले पे आएंगे। मिक्स वाले पे आने के बाद यहाँ से रेड वाले पे आने के बाद यहाँ से इसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ा देंगे और लुमिनियंस को इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड, फिर ऑरेंज वाले पे आएंगे, थोड़ा इसको भी इतना कर लेंगे और इसको थोड़ा फुल कर लेंगे। फ्रेंड, इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना पूरा फेस हो गया है। तो फ्रेंड, यहाँ से डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद यहाँ से फ्रेंड इस ओपेसिटी को दोनों को ऑन कर देंगे। फ्रेंड, इतना करने के बाद फिर से कलर वाले पे आएंगे और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेंगे और विविनेंस को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेंगे। फ्रेंड, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद फिर से इस फोटो को हम ले चलेंगे अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में फेस स्मूथ करने के लिए। इस फोटो को हम अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे फेस स्मूथ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं इस फोटो को। फ्रेंड, इतना करने के बाद डिस्कार्ड कर देना है इस फोटो को। इतना करने के बाद यहाँ से ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आना है और ये वाला आपको ब्रश ले लेना है। स्मूथ आप देख सकते हैं इस वाला ब्रश पे लेके यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्लो को 1 तक रख लेना है और स्टैंडर्ड को 1 तक, और यहाँ से साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद अपने फेस पे चल लेना है आराम आराम से। फ्रेंड, जैसे जैसे देखिए मैं चला रहा हूँ, वैसे आप चलाइएगा तो आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो आपका फेस बिगड़ जाता है। आप लोग देख सकते हैं मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, तो ऐसे आपको नहीं करना है। फ्रेंड, आपको आराम आराम से ऐसे ऐसे करना है और खूब अच्छा आपका फोटो स्मूथ होगा। फ्रेंड, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। भाई सपोर्ट कीजिएगा, तब तो आपको आपके लिए मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे वैसे आपको भी करना है। और फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग घबरा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है, और यहाँ से साइज अपने हिसाब से करके। फ्रेंड, आप लोग जितना आराम आराम से कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा फोटो आपका स्मूथ। तो आप लोग जितना ही आराम से कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं इस वीडियो को। तो फ्रेंड, थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस स्मूथ हो गया है। तो फ्रेंड यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक लेयर बना लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पर आएंगे और लाइब्रेरी पर आने के बाद यहाँ से आपको ये वाला ब्रश को यूज कर लेना है। ये वाला ब्रश को यूज करने के बाद यहाँ सेटिंग का आप लोग देख सकते हैं, सेटिंग आपको साइज इतना रख लेना है और ओपेसिटी को फुल। इतना करने के बाद फ्रेंड यहाँ से कलर वाले पे आएंगे, कलर वाले पे आने के बाद यहाँ से रेड वाले को आपको ले लेना है। फ्रेंड इतना करने के बाद अपने लिप्स पे चलाएंगे। फ्रेंड फिर से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आपको रेड वाले पे क्लिक करके इसका ओपेसिटी को एकदम माइनस कर लेंगे, 2-3 के पास पर इतना कर लेंगे, थोड़ा और कम कर लेते हैं, इतने 4 तक कर लेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड इस फोटो को हम सेव कर लेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेंगे। फिर यहाँ से सेव कर लेंगे, फिर इस फोटो को ले चलेंगे फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन में। फ्रेंड चलिए लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को ओपन करते हैं। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। सॉरी यार ये फोटो नहीं है, ये वाला फोटो है। तो फ्रेंड अपने फोटो को लेने के बाद यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे, लाइट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा लेंगे इतना तक। इतना करने के बाद कंट्रास्ट को थोड़ा माइनस और हाईलाइट और शेडो को थोड़ा माइनस कर लेंगे और वाइट को भी थोड़ा माइनस कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद ब्लैक को थोड़ा माइनस इतना रख लेंगे माइनस। इतना करने के बाद कलर वाले पे आएंगे, कलर वाले पे आने के बाद मिक्स वाले पे आएंगे और मिक्स वाले पे आने के बाद यहाँ से ऑरेंज वाले ऑप्शन लेके और इसका सेचुरेशन माइनस इसका हाई कर लेंगे इतना और इसका बढ़ा लेंगे और कलर वाले पे आने के बाद यहाँ सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे इतना और इतना करने के बाद लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसका हुई माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से ग्रीन वाले पे आने के यहाँ से पूरा फुल कर देंगे और इसको भी थोड़ा फुल कर देंगे पूरा और ये वाला भी फुल कर देंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड यहाँ से इफेक्ट वाले पे आएंगे और इसको थोड़ा माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड यहाँ से इसको भी थोड़ा माइनस कर देंगे और क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे और टेक्सचर को थोड़ा माइनस कर लेंगे, इसको भी थोड़ा माइनस, इसको टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेना और फिर से फोटो को ले चलेंगे फ्रेंड टूलविज एप्लीकेशन में। तो चलिए फ्रेंड टूलविज एप्लीकेशन ओपन करते हैं, देख सकते हैं आपका हमारा फोटो कितना स्मूथ हो गया, कितना गोरा हो गया है। चलिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रेंड इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद यहाँ से इतना करने के बाद फ्रेंड ये 5 नंबर ले लेना है। फ्रेंड 5 नंबर लेने के बाद यहाँ से मार्क्स वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद फ्रेंड यहाँ से अपने बालों पर चलाना है आराम आराम से, जितना आराम से चलाइएगा उतना ही आपका फोटो स्मूथ होगा और अच्छा होगा। फ्रेंड अपने बालों पर चला लेना है। और अपने दाढ़ी पर चला लेना है ब्रेड पे। आप लोग देख सकते हैं कैसा फोटो बन गया है। और अपने कपड़े पे भी चला लेना है थोड़ा। फ्रेंड इतना करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। फिर से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर से वही दूसरा लेंगे। दूसरा लेने के बाद यहाँ से मार्क्स वाले पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद अपने फेस पे चलाएंगे। फ्रेंड अपने पूरे फेस पे चला लेंगे इसे। फेस पे चलाने के बाद यहाँ से इरेजर वाले पे आएंगे और अपने आँखों पर से हटा लेंगे और अपने ओठों पर से और नाक पर से हटा लेंगे, कान पर से। फ्रेंड इतना करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको सेव कर देंगे। फ्रेंड ये वाला फोटो बन गया। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कैसा फोटो बना है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कितना लाजवाब फोटो बन गया है। तो फ्रेंड चैनल पे नहीं होते प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।